कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग का जो है परीक्षा फॉर्म स्कूल में भराना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग यदि अभी तक परीक्षा फॉर्म जमा नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग जमा कर दें, क्योंकि आपका डेट जो है ना, मतलब लास्ट डेट कब तक है आपको मैं इस वीडियो पर बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका नोटिस है, और ये नोटिस जो है ना दो चीज़ के लिए है, एक तो आपका परीक्षा फॉर्म के लिए और एक आपका है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जो योजना जो है ना, इस योजना के अंतर्गत जो है छात्रवृत्ति आप लोगों को दी जाती है स्कॉलरशिप, तो उसके लिए भी ये सूचना है। तो आप नोटिस को नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। देखिए तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, एतद द्वारा संबंधित सभी परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों, संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 एवं मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के वेबसाइट देख सकते हैं www.jek.jharkhand.gov.in/jek के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ उसके बाद देख सकते हैं परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित सभी निर्देश जो है परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस प्रकार से आप लोग ये नोटिस भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं अभी आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। आपको जो मेन पॉइंट दिखाना है वो आप लोग देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ना फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट कब तक है, तो वह है 28/12/2023, यानी कि 28 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर के पहले तक आपको परीक्षा फॉर्म जमा कर ही देना है, ठीक है, विद्यालय में जा कर के। और फॉर्म को यदि भरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वीडियो का, आप जा कर के देख लीजिए, पूरी तरीके से आप सीख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको ये वाला ही फॉर्म आपको अप्लाई कर देना है बाबू, ठीक है। मेगा छात्रवृत्ति जो योजना जो है ना, ये स्कॉलरशिप इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है, छात्रवृत्ति मिलेगा। तो ये वाला भी आप लोग फॉर्म को जमा कर दीजिएगा, ठीक है, साथ ही साथ दोनों काम आपका हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है आपका नोटिस मैंने बता दिया कि स्टार्ट कब से हो गई है, तो स्टार्ट हुआ है 28 नवंबर से, है ना, 28/11/2023 से। और कब तक परीक्षा फॉर्म जमा ली जाएगी, 28/12/2023 तक, है ना। तो 28 तारीख से पहले तक ही आप लोग जमा कर दीजिए अपना विद्यालय में परीक्षा फॉर्म। तो बस, तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।